ये देखिए दोस्तों, हमने ये एक 2 लीटर की जो है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स ली हुई है, एक स्प्रे लिया हुआ है और देखिए ये हमने कुछ एप्सम साल्ट लिया हुआ है। दोस्तों ये जो एप्सम साल्ट अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें देखिए बहुत देखिए थोड़ा शाइनिंग शाइनिंग सा आपको चमक में आ रहा होगा। ये देखिए एक्चुअली इसमें हवा लग गई तो इसके जो शाइनिंग पार्ट है वो चला गया है, और वरना ये बहुत ही शाइनिंग करता था। ये देखिए, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ये ढक्कन है ये तो हमारा 30 ग्राम का है और जो ये ढक्कन है ये हमारा 10 ग्राम का है। तो हमें अगर 2 लीटर में लेना है तो हम 30 ग्राम को पूरा फिलअप कर देंगे, क्योंकि हमें पर लीटर 15 ग्राम लेना है, तो 2 लीटर में 30 ग्राम लेना है। और हमने इसको ये पूरा भर लिया। एक्चुअली मैंने पहले से मेजर कर रखा हुआ है, बार बार मुझे वेट मशीन का यूज नहीं करना पड़ता है। ये देखिए हमने इसे लिया और अब हम इसमें भर देंगे। देखिए दोस्तों, हमने अपनी इस बोतल में अपने एप्सम साल्ट को फिलअप कर दिया और उसके बाद हमें जो हमारा नॉर्मल जो वाटर होता है हमें अपने हमारे नल का उसका हमें लेना है। और अगर आपके पास सप्लाई का पानी आता है तो उस पर 2 से 3 दिन के लिए पहले रख दीजिए, फिर उसके बाद ही आप उसको यूज़ कीजिए। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो आप इतना अगर कोल्ड वाटर ले सकते हैं, अगर आपके पास फ्रिज है तो आप चिल्ड वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चिल्ड वाटर जो है नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरा नल का पानी है और ये अप्रॉक्स उसके बराबर ही होता है। मॉर्निंग के जो पानी होता है वो बिल्कुल ठंडा पानी ही होता है। और दोस्तों एप्सम साल्ट को यूज करने का एक सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आप उसको मॉर्निंग के टाइम पर ही यूज कर लें, ताकि आपकी सनलाइट पौधों पर ना पड़े और तभी अपने को यूज करें उसको। और उसके बाद आप अपनी बोतल को अच्छे से हिला लीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरा घुल चुका है और अब हम अपने स्प्रेयर को इसमें लगाएंगे। और इसमें हम प्रेशर क्रिएट करेंगे, फिर आप देखिए दोस्तों हमारा जो स्प्रे पंप है वो हमारा रेडी हो गया है और अब हमें इसे अपने इस हिबिस्कस के पौधे पर स्प्रे करना है। तो देखिए हम इसको बिल्कुल तीखे स्प्रे से बिल्कुल स्प्रे करेंगे, ताकि इसमें जितना पेस्ट भी हो वो उसकी धुलाई के साथ निकल जाए। और ये देखिए हम अपने जो हमारा लेगी लेगी सा हो गया है इसको एक न्यूट्रिशंस भी मिलेंगे। और ये हमारा ये देखिए दोस्तों, हमने इसको बिल्कुल खूब अच्छे से कर दिया। और इसके बाद आप थोड़ा सा इसके सॉयल में भी डाल दीजिए। ये देखिए दोस्तों, बस आपको इतना करना है, आपके पौधे में जितनी भी न्यूट्रिशंस की कमी होगी वो सारी दूर हो जाएगी। तो अब हमारा ये दूसरा जो सेकंड पौधा है हम इसमें भी स्प्रे कर ले रहे हैं। ये देखिए आपको ऐसे करना है, अच्छे से स्प्रे करना है और इसमें अब 1 लीटर आप जो है 12 इंच के पॉट में के लिए यूज कीजिए, आधा स्प्रे कर दीजिए, 3/4 स्प्रे कर दीजिए और आधा उसके रूट्स में डाल दीजिए। ये कि दोस्तों हमारे जो ये पौधे हैं हम इनमें भी अपना थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर देंगे। ये देखिए जो ये हमारे नीचे कुछ कटिंग्स इसमें लगी हुई हैं और हम उनको भी लगा इसमें स्प्रे कर देंगे। ये हमारा दूसरा ही स्प्रे है, हम इसमें भी स्प्रे कर देंगे। ये हमारा रोज है जिसे हमने अभी अपने फंगस अटैक से ट्रीटमेंट किया है, उसको में भी हम स्प्रे कर देंगे। ये देखिए जो हमारा गार्डेनिया है इसमें भी हम स्प्रे कर देंगे। ऐसे ये हमारे कन्ना लिली के पौधे हैं, आप इनमें भी स्प्रे कर सकते हैं। ये हमारा रोजेज है, आप चाहें तो इनमें भी स्प्रे कर सकते हैं। ये चांदना है, चांदनी है, इस पर भी आपकी जो कटिंग्स हैं कटिंग्स में तो बहुत अच्छा हुआ इसका रिजल्ट का, इसके स्प्रे का रिजल्ट आता है। ये देखिए हमने स्प्रे कर दिया, कुछ कटिंग्स हमारी यहाँ पर लगी हैं। दोस्तों इस साल मैंने तकरीबन 150 से ज़्यादा कटिंग हिबिस्कस की तैयार की थी और सारे की सारी मैंने दे दी। ये मेरी न्यू कटिंग्स हैं और आप अपने किसी भी पौधे पर इसको स्प्रे कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरी एक हिबिस्कस लगी हुई है, विंका है, नीचे गुलदाउदी लगी हुई हैं,